दोस्तों, मैं निमेश जोशी फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम टॉपिक पे बात करेंगे फास्टैग 8%। हालांकि देखो, ये तो जितने भी पुराने डिस्ट्रीब्यूटर हैं उन सभी को इसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशन मालूम है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं गलती कर लेते हैं। और जो बिल्कुल भी नए हैं, जो जस्ट अभी वेस्टेज में जुड़े हैं, आप बिल्कुल भी आज शांति से ये देख लीजिए। क्योंकि देखो, बहुत सारे कमेंट आते हैं मुझे कि सर, मेरे 400 पीवी हो गए तो भी मुझे वाउचर नहीं मिला, और मतलब क्राइटेरिया था उसके ऊपर मेरे पीवी हो गए। तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन आज आपको समझने की जरूरत है, ताकि ना आप गलती करो, ना आपके साथ जो नए जुड़ने वाले हैं उनके साथ भी कोई गलती हो सके। तो देखो, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि फास्टैग 8% होता क्या है। ठीक है, फास्टैग 8% का मतलब क्या होता है? जैसे आप सभी को मालूम है कि जैसे हमारे 1 से लेके 599 पीवी होते हैं, तो कंपनी हमें 5% कैशबैक देती है। और जैसे हमारे 600 पीवी मतलब 599 हम क्रॉस कर देते हैं, हमारा लेवल हो जाता है 8%। बट वेस्टेज में क्या बोला है कि अगर मान लीजिए कि कोई डिस्ट्रीब्यूटर अगर एक सिंगल मंथ में 282 पीवी कर लेता है, 282 पीवी, तो उसे फास्ट स्टार्ट 8% माना जाएगा। और ना सिर्फ फास्ट स्टार्ट 8% माना जाएगा, बट उसके साथ उसको 750 रुपए के प्रोडक्ट वाउचर भी फ्री मिलेंगे। ठीक है, ये रूल्स तो सभी को मालूम है कि 282 पीवी अगर एक सिंगल मंथ की बात कर रहा हूँ, एक सिंगल महीने में अगर 282 पीवी कर लिया है, तो मतलब ना सिर्फ 5% की जगह पे 8% कैशबैक आएगा, और साथ में 750 के प्रोडक्ट वाउचर आएगा। अब ये रूल्स नंबर 1 समझ लीजिए कि ये 282 पीवी क्या आपने जो मंथ में ज्वाइनिंग किया वही मंथ में करना है? नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मान लीजिए कि आपने ये मंथ में ज्वाइनिंग की है और आपके मान लीजिए कि सिर्फ 50 पीवी हुए हैं, ये जनवरी का महीना है, जनवरी महीने में आपने ज्वाइनिंग की है और सिर्फ 50 पीवी की है। लेकिन मान लीजिए कि फरवरी महीने में भी, मैं यहाँ पर एक राउंड फिगर लिखता हूँ, 282 की जगह पे मान लीजिए कि आपने 300 पीवी, ये देखिए जनवरी में आपके 50 पीवी हुए और फरवरी में एक सिंगल मंथ में आपने 300 पीवी किए, तो कंपनी बोलती है कि 599 टच करने के पहले किसी भी एक महीने में अगर आपने 300 पीवी या 282 पीवी एक सिंगल मंथ में किए हैं, तो भी आपको फास्टैग 8% माना जाएगा। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन जहां पर आपको नहीं मिलेगा, दूसरी इक्वेशन क्या है कि मान लीजिएगा आपके अगले पिछले सारे पीवी मिलके आपके टोटल क्यूमुलेटिव पीवी थे 450 पीवी, समझो जनवरी तक आपके 450 पीवी है, 50 पीवी, 100 पीवी, 50 पीवी, 100 पीवी, ऐसे मिलके किसी भी महीने में आपने 282 पीवी नहीं किए थे, बट आपके टोटल 450 पीवी हुए हैं। और फरवरी महीने में मान लीजिए कि आपने 150 पीवी किए हैं, तो ये केस में आप लीगली 8% चले गए हो, ना कि फास्टैग 8%, तो ये केस में भी आपको वाउचर नहीं मिलेगा। तो ये कुछ कुछ कंडीशंस आप समझ लीजिए ध्यान से। तो पहला समझ लीजिए कि आप कोई भी महीने में ज्वाइनिंग नहीं, किसी भी महीने में अगर 282 पीवी कर लेते हो यहाँ टच होने के पहले, तो आपको वाउचर मिलेगा। और अगर आप लीगल वे से 8% जाते हो तो वाउचर नहीं मिलेगा। ये एक केस। अब दूसरा, जहां पर लोग सबसे ज्यादा गलती कर लेते हैं, वो दूसरी इक्वेशन में बता देता हूं। अब मान लीजिए कि आप यहां पर हो, आपने खुद के 50 पीवी किए हैं, यहां पर एक डाउनलाइन है, यहां पर है और यहां पर है मान लीजिए, और ये बंदे ने सिर्फ 20 पीवी किए, इसने 50 पीवी किए हैं, और ये बंदे ने 300 पीवी किए हैं। अब ये केस में क्या हो जाएगा, 420 पीवी एक सिंगल मंथ में हो गए, बट ये एक लेग ऐसा है जिसने खुद अकेले ने 300 पीवी किए, मतलब ये भी फास्टैग 8% चला गया, तो ये केस में भी आपको वाउचर नहीं मिलेगा, वाउचर इनको मिलेगा। अगर आपको ये केस में वाउचर चाहिए तो आपको करना क्या होगा, आपको ये लेग के अलावा आपके खुद के, इनके और इनके मिलके अलग से 282 पीवी करना पड़ेगा, 282 पीवी इनको बात करके मतलब इनको छोड़ के, तब जाके आपको ये फास्टैग 8% का वाउचर मिलेगा और 8% आप फास्टैग का कैशबैक मिलेगा। तो ये दूसरा एक समझ लीजिए, लोग यहीं पर गलती कर देते कि सर ये तो फास्टैग बन गया था, लेकिन ऐसा नहीं है, आपके घर से भी एक आदमी फास्टैग बन गया था। अब सेम देखो, इसी केस में ऐसे समझ लीजिए कि ऐसे आपके पास दो है, इसने भी फास्टैग अचीव कर लिया है,
तो ये केस में अब आपको आपके सेल पीवी और बाकी सारे लेग से 282 पीवी करने पड़ेंगे, तब आपको वाउचर मिलेगा। लेकिन अगर यही केस तीन डाउनलाइन में हो जाते कि आपने ज्वाइनिंग किया है और आपके नीचे एक सिंगल मंथ में तीन जन ने फास्ट स्टार्ट अचीव कर लिया है, तो ये केस में क्या अब अलग से वापस से 282 पीवी करने पड़ेंगे? नहीं दोस्त, ये एक और दो तक तो ठीक है, लेकिन अगर आपने तीन फास्ट स्टार्ट 8% आपके नीचे ब्रेक कर लिए तो कंपनी बोलती है कि अब आपको अलग से कोई 282 पीवी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप अपने जो 20 पीवी है सेल्फ परचेस करिए और आपको इन तीनों को 750-750 के वाउचर मिलेंगे, लेकिन आपको मिलेगा 1000 रुपीज का वाउचर मिलेगा, आपको सुपर फास्ट स्टार्ट माना जाएगा, सुपर फास्ट स्टार्ट, समझ गए? तो ये गलती भी मत करना कि अगर आपके नीचे कोई अगर एक बंदा बन गया है फास्ट स्टार्ट तो आपको अलग से करने पड़ेंगे, और ऐसे तीन हो गए तो आपको साइड से करने की जरूरत है। तो ये दो कंडीशन आप बिल्कुल समझ लीजिए, इसी के वजह से आप लोग को वाउचर नहीं आता है और फिर आपको कमेंट करने की जरूरत पड़ती है कि सर मैंने तो पीवी कर लिए थे फिर भी मुझे क्यों वाउचर नहीं आया। तो आप देख लीजिए कि आपकी यहाँ पर कहाँ गलती हो रही है। तो एक सिंपल इक्वेशन था जो मुझे आज लगा कि आप सभी को जानना बहुत जरूरी है। एक तो ज्वाइनिंग वाले महीने में 282 पीवी नहीं हुए, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, आप कोई भी महीने में 282 पीवी कर सकते हो, लेकिन एक 600 पीवी टच करने के पहले, अगर 600 पीवी आप टच कर रहे हो मतलब लीगली 8% जाते हो तो फास्ट स्टार्ट नहीं माना जाएगा, आपके नीचे अगर कोई फास्ट स्टार्ट है तो अलग से करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरीके से काम करोगे तो डेफिनेट आपको वाउचर आएगा। और तीसरा और मेन पॉइंट आप समझ लीजिए जो आखिर में है कि मान लीजिए कि आजकल हमारी ऑफर चल रही है, डबल पीवी की ऑफर चल रही है, मतलब 100 पीवी एक्स्ट्रा की ऑफर चल रही है, 100 पीवी एक्स्ट्रा वाली ऑफर दो महीने से चल रही है, 100 पीवी एक्स्ट्रा मिल रहे। अब ये केस में क्या होगा, मान लीजिए कि आपने ज्वाइनिंग किसी की करवाई है या आपकी खुद की है 100 पीवी से की है और आपने सारे हेल्थ केयर और एश्योर नेचुरल के प्रोडक्ट लिए हैं। अब ये केस में आपके पीवी हो जाएंगे 200 पीवी और आपने कुछ अलग से और 82 पीवी का सामान लिया है, मतलब अगर टोटल आप देखोगे तो आपके 282 पीवी हो गए। तो ये केस में क्या होगा, तो ये केस में दोस्तों आपको फास्ट स्टार्ट 8% तो माना जाएगा, फास्ट स्टार्ट 8% माना जाएगा, आपका जो कैशबैक है वो एक्चुअल पीवी पे आएगा क्योंकि आपका एक्चुअल पीवी था 100 और दूसरे 82 पीवी, तो आपको कैशबैक जो आएगा, परफॉर्मेंस बोनस जो आएगा पूरा 8% 182 पीवी का मिलेगा। लेकिन क्योंकि आप ये एक्स्ट्रा पीवी से गए हो फास्ट स्टार्ट 8%, तो उसके चलते आपको जो प्रोडक्ट वाउचर है, प्रोडक्ट वाउचर 750 रुपीज का जो फास्ट स्टार्ट 8% को मिलता है ये नहीं मिलेगा। अगर प्रोडक्ट वाउचर चाहिए तो आपको एक्चुअल 282 पीवी करना पड़ेगा, आपके एक्स्ट्रा पीवी का जो भी है वो काउंट नहीं होगा। तो उम्मीद है दोस्तों आज जो भी कंडीशंस थी आपने शांति से समझ ली रहेगी। वीडियो में कमेंट करिएगा तो मैं कल जो है फास्ट स्टार्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर भी कैसे बना जाता है उसके भी जो भी कंडीशन है वो ध्यान से समझा दूंगा। उम्मीद है बहुत हेल्पफुल रहा रहेगा, ज्यादा से ज्यादा जो नए लोग जुड़े हैं उनके साथ ये शेयर करिए, लाइक करिए। कल मिलते हैं और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल।